नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोग्रीन्स क्या होता है, कौन कौन सी पत्तियां उगाई जाती है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताऊंगा दोस्तों, और क्यों इसे सुपर फूड कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएँ, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, माइक्रोग्रीन्स की हर पत्ती में 40 गुना तक न्यूट्रिशन होता है। दोस्तों, आप किसी भी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपने सलाद या डिश को सजाने वाली कुछ पत्तियाँ ज़रूर देखी होगी। ये रंग बिरंगी छोटी छोटी पत्तियाँ खाने को एक अलग लुक देती है। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये छोटी पत्तियाँ जिन्हें माइक्रोग्रीन्स कहा जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है। इसे सुपर फूड की कैटेगरी में गिना जाता है। माइक्रोग्रीन्स किसी भी पौधे की शुरुआती दो पत्तियां होती है। ये स्प्राउटिंग के बाद आने वाली स्टेज होती है। हालांकि हर पौधे के माइक्रोग्रीन्स को खाया नहीं जाता। आम तौर पर मूली का पत्ता, सरसों, मूंग, पालक, चौलाई, लाल भाजी, मेथी, ब्रोकली, गोभी, गाजर, मटर, चुकंदर, गेहूं, मक्का, चना, शलजम, जो भी भाजी खाने योग्य होती है उसी का जो है माइक्रोग्रीन खाया जाता है। माइक्रोग्रीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जाता, बल्कि उन्हें सलाद या खाने के किसी डिश को गार्निश करते हुए खाया जाता है, जैसे कि हम हरा धनिया का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोग्रीन्स को यूं ही सुपर फूड की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। इसकी बहुत ही कम मात्रा आपको बहुत अधिक पोषण देने के लिए काफ़ी होती है। आमतौर पर एक व्यक्ति रोज सिर्फ 50 ग्राम माइक्रोग्रीन खाए तो उसकी पोषण की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो मात्र 50 ग्राम खाइए। मैच्योर हो चुकी सब्जी या सलाद खाने के बजाय अगर आप उसका माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो आपको ये 40 गुना ज़्यादा पोषण दिलाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप 100 ग्राम मूली खाते हैं और दूसरी ओर मूली के 100 ग्राम माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो मूली की तुलना में माइक्रोग्रीन्स से आपको 40 गुना अधिक पोषण मिलेगा। तो है ना कमाल की बात। और लगाना भी बहुत आसान है, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लगाना है। बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, छोटे से घर में लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर आसानी से उगा सकते हैं। ये बालकनी के पास जहाँ रोशनी भी आती हो वहाँ भी उगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसे सूरज की तेज रोशनी से बचाना है, वरना पौधा मुरझा सकता है। माइक्रोग्रीन्स को आप किसी भी छोटे गमले, डिब्बे, मिठाई का डिब्बा, बक्सा जो ज़्यादा गहरा ना हो या फिर कोई कंटेनर में लगा सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन डब्बों के नीचे आपको छेद करना है ताकि आवश्यकता से अधिक पानी जो है वो नीचे से निकल जाए, ड्रेनेज से पानी निकल जाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। अगर आप ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। सबसे पहले कंटेनर में कोकोपीट डालें। अगर कोकोपीट नहीं मिलता है तो आप जो कंपोस्ट डाल सकते हैं, कंपोस्ट नहीं मिलता है तो आप जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं या फिर मिट्टी डाल सकते हैं या रेत भी डाल सकते हैं, लेकिन तीनों का मिश्रण सबसे बढ़िया रहेगा। तो आपको जो है 30% मिट्टी लेनी है और इसमें जो है करीब 50% कोई भी, चाहे तो कोकोपीट ले लें या फिर जो है कंपोस्ट ले लें, कोई भी एक चीज़ ले लें, और जो है बाकी जो है उसमें रेत डाल दें, यानी कि 50 से 80 हो गया। अब जो है 20% आप रेत मिला लीजिए। अब इसको आपको कंटेनर में डालना है। कंटेनर के नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब इसको डाल दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इसको कम से कम 8 घंटे बाद, जब इसका पानी पूरा निकल जाए, तब इसमें जो है आपको क्या करना है, जिसका भी आप जो है बीज आपके पास मौजूद है उसका बीज आपको डालना है और उसके ऊपर हल्का मिट्टी का जो है या फिर खाद का जो भी है, जो आपके पास मिश्रण बचा है उससे उसको हल्का सा ढकना है और फिर जो है स्प्रे की सहायता से जो है पानी डाल दें।
कुछ लोग टिश्यू पेपर में भी माइक्रोग्रेन्स उगा लेते हैं, तो ये जो है बीज के अंकुरण शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और 10 से 15 दिन में आपको दो पत्तियां भी निकलती नजर आएगी। इसके बाद आप मिट्टी से थोड़ी ऊपर से उन्हें काट कर खा सकते हैं। आप चाहे तो इसको सलाद में ले सकते हैं या फिर सैंडविच में ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज में ले सकते हैं। जैसे आप धनिया डालते हैं ठीक उसी तरह से आपको डालना है, और हर 10 से 15 दिन बाद आपको खाने को मिलेगा। तो इसको जो है आपको ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है, शुरू के 3 से 4 दिन ढक कर रखना है अंधेरे वाली जगह में, फिर उसके बाद उसका ऊपर का ढक्कन निकाल के आप चेक कीजिए, और इसमें स्प्रे की सहायता से, अगर सूखा है तो स्प्रे की सहायता से पानी डालिए। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो है आप घर में जो है लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सूरजमुखी माइक्रोग्रेन्स उगा सकते हैं आप आसानी से, क्या मिट्टी लगेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको आप कैसे खा सकते हैं, इसको आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, सूप सैंडविच इसमें आप ले सकते हैं, स्मूदी के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें ज़बरदस्त तरीके से कैल्शियम होता है, आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी और विटामिन डी, साथ में विटामिन ई भी होता है। ये आसानी से पच जाता है, खासियत यह है इसकी। मूली माइक्रोग्रेन्स भी लगा सकते हैं आप, मूली के फायदे ज़बरदस्त हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही करें जैसे सलाद के रूप में करते हैं, या फिर जो है आप जो है इसको स्मूदी के रूप में भी ले सकते हैं। मूली में तरह तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन सी होता है, फोलेट जैसे विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। पालक चौलाई लाल भाजी ये सब आप इसको जो है आप सूप में ले सकते हैं, सलाद के रूप में ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी विटामिन के और विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होता है। ब्रोकली माइक्रोग्रेन्स लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसका उपयोग कैसे करें आप सूप में ले सकते हैं, सैंडविच में ले सकते हैं। इसमें विटामिन ए होता है विटामिन सी होता है, साथ में ही आयरन होता है कैल्शियम होता है और फाइबर जैसे विटामिन से भरपूर होता है ब्रोकली। तो ब्रोकली माइक्रोग्रेन्स में 35% प्रोटीन होता है। गोभी माइक्रोग्रेन्स इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, सूप में ले सकते हैं, सलाद में ले सकते हैं, सैंडविच में ले सकते हैं, गार्निश के रूप में ले सकते हैं। विटामिन सी होता है इसमें, विटामिन ई होता है, बीटा कैरोटीन होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके बाद है पालक माइक्रोग्रेन्स, पालक माइक्रोग्रेन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गार्निश के रूप में कर सकते हैं, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं, सूप ले सकते हैं, और इसमें क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें विटामिन ए विटामिन सी विटामिन के फोलिक एसिड आयरन कैल्शियम जैसे भरपूर तत्व होते हैं। चुकंदर माइक्रोग्रेन्स खा सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल आप जो है सूप सैंडविच पास्ता सलाद में कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए होता है विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ई और विटामिन के होता है, आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है, जिनको खून की कमी है वो अवश्य ही इसको लें। मकई माइक्रोग्रेन्स इसका इस्तेमाल स्वीट कॉर्न की तरह कर सकते हैं, और इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है, एनीमिया को रोकता है, उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए बी सी और ई कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।